आवर चैनल। वेलकम टू आवर चैनल। ये है अग्रिप और मैं इसकी मम्मी कामाक्षी सोनी। ये क्या है? अग्रिप। तो आपको पता है सबको कल क्या है? आपको पता है? हाँ, कल है बसंत पंचमी। तो बसंत पंचमी में हमने सोचा अब क्या करें, तो हम लाएंगे नए नए फूल उगाएंगे, गमले लाएंगे, ठीक है? ठीक है। और अब अग्रिम और उसकी मम्मा आपको एक पोयम भी सुनाएगी। तो हम ये कविता प्रस्तुत करते हैं, ठीक है? क्या कहेंगे? देखो वसंत पंचमी आई, चारों तरफ हरियाली छाई, रंग बिरंगे फूल खिलाए, खेतों में सरसों लहराए, फूलों पे भंवरे मंडराए, देखो बसंत पंचमी आए, पीले वस्त्र पहन के बच्चे नाचे गाए शोर मचाए, देखो बसंत पंचमी आए। तो आप चलेंगे हमारे साथ फूल लगाने? तो चलिए। तो हम पहुंच गए हैं कुमार मंडी। ये देहरादून में घंटागढ़ से टुवर्ड्स बिंदाल ब्रिज की तरफ आए तो थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट हैंड साइड पे अंदर लेन जा रही है। यहाँ पर गमले बनते हैं, मटके बनते हैं, मिट्टी के टॉयज़ बनते हैं, अंगीठियाँ बनती है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर इसलिए लाई हूँ अग्रिम को दिखाने के लिए कि मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के पॉट्स बनते कैसे हैं। आप डायरेक्ट यहाँ से भी ले सकते हैं या किसी नर्सरी से भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम आए हैं मिट्टी लेने और ऑर्गेनिक खाद लेने, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने पॉट मिक्स में मिट्टी डाली है, ऑर्गेनिक खाद डाली है, साथ में एक पैकेट कैल्शियम, आपको किसी भी नर्सरी में मिल जाएगा, कैल्शियम बॉल्स होती है, कैल्शियम मिक्सचर डाला है। वो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत हेल्दी है। और ये वाला मिक्स मैं अपने वेजिटेबल ग्रो करने के लिए भी यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने कैल्शियम वेजिटेबल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वो भी डाला है। आने वाली वीडियो में मैं आपको वेजिटेबल्स कैसे उगानी है वो भी दिखाऊँगी। फाइनली जब रिज़ल्ट ऐसा मिलता है, हरे भरे पेड़, लहराते हुए फूल, तो आपका दिन ही बन जाता है। इस बार हमने अपने घर पे ऑलमोस्ट सीज़न के सारे ही फ्लावर्स लगाए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पेंजी है, पिटूनिया है, रोज़ेज़ है, डाइंथस है, फिर कुछ हमारे पास डेलिया भी है, कैलेंडुला है, एस्टर है, कुछ प्लांट्स डॉग फ्लावर की भी है, एलाइसम है, रेड कलर के बहुत सुंदर ये परमानेंट प्लांट है साल्विया के, वर्बिना है पिंक कलर के, और रोज़ भी है, हाँ बेटा, और पीली चमेली इस बार मैं लाई हूँ और बहुत ही सुंदर लगती है पीली चमेली और खुशबू बहुत ही बेहतरीन है। तो मुझे लगता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप भी अपने घर पे, बगीचे पे, गमलों पे, अपने घर पे फूल उगाएंगे, अपने घर की खूबसूरती बढ़ाएंगे। और बहुत ज़रूरी, ये जो फूल, इतने सुंदर सुंदर फूल हमें होप देते हैं, एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करते हैं और हमारे माइंड को रिलैक्स करते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आए। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।